पितृपक्ष के अंतिम दिन अश्विनी अमावस्या पितृ विसर्जन पर शनिवार को लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान किया। लोगों ने अपने पितरों को विदाई देकर उनसे घर परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। पितरों को विदा करने के पूर्व उनसे विगत 14 दिनों तक तर्पण आदि में हुई त्रुटि, किसी पितर को तिलांजलि देने में हुई चूक के लिए क्षमा याचना भी की। गंगा नदी के सभी घाटों पर पिंडदान करने वालों की भीड़ भोर से ही उमड़ी। श्रद्धा भाव के साथ मुंडन कराकर गंगा स्नान के बाद लोगों ने तर्पण और पिंडदान किया। जिनके परिजनों की अकाल मृत्यु हुई थी, उन्होंने ऐसे परिजनों और पूर्वजों के निमित्त पिशाच मोचन पर पिंडदान, तेल और घोड़ा दान किया। ये क्रम भोर से ही चलता रहा। पितृ अमावस्या पर अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का पिंडदान और श्राद्ध लोगों ने किया। पिंडदान के दौरान लोगों ने अपने कुल गोत्र का उल्लेख कर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया और पूर्वाभिमुख होकर कुश, चावल, जौ, तुलसी के पत्ते और सफेद पुष्प को श्राद्ध कर्म में शामिल किया। इसके बाद तिल मिश्रित जल की 3 अंजुली जल तर्पण में अर्पित किया। इस दौरान तर्पण आदि में हुई त्रुटि, किसी पितर को तिलांजलि देने में हुई चूक के लिए क्षमा याचना भी की। अपने पितरों से सुखद सफल जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। पिंडदान के बाद गाय, कुत्ता, कौवा को पितरों के प्रिय व्यंजन का भोग लगाकर खिलाया। अपने पूर्वजों को पिंडदान तर्पण करने के बाद लोग घर पहुँचे। घर में बने विविध प्रकार के व्यंजनों को निकाल पितरों को चढ़ाकर ब्राह्मणों को खिलाने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण किया। अमावस्या पर लोग सांकाल घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर बांस की कैन में पितरों के लिए अनाज की छोटी छोटी पोटली बांधकर उनसे अपने लोक लौट जाने का अनुरोध करेंगे। गौरतलब हो कि सनातन धर्म में माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज 15 दिनों तक अपने वंशजों के घरों के आसपास मौजूद रहते हैं। अपनों से सेवा भाव के साथ श्राद्ध कर्म कराने के बाद अमावस्या तिथि पर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। माना जाता है कि पितरों के श्राद्ध कर्म न करने से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है।